पूर्वी सिंहभूम के 3 प्रखंडों में कल वोटिंग है और इसे लेकर जमशेदपुर कोऑपरेटिव कॉलेज से पोटका, पटमदा, बोडाम के लिए पोलिंग पार्टियों को रवाना किया गया और यहां की तस्वीर हम तक पहुंचाई सहयोगी प्रभात ने। मतदान कल होना है, उसको लेकर आज कोऑपरेटिव कॉलेज से मत पेटी के साथ पोलिंग पार्टियों को यहां से रवाना किया जा रहा है और 3 प्रखंडों में कल मतदान होना है, पोटका, बोडाम और पटमदा। सबसे ज्यादा पोट बूथे बनाई गई है, जिला प्रशासन के द्वारा पूरा पुख्ता तैयारी कर ली गई है और देखिए स्वयं यहाँ एडीएम लॉ एंड ऑर्डर है, पूरी व्यवस्था की मुआयना कर रहे हैं कि जो पोलिंग पार्टी जो मतपेटी लेके जा रहे हैं जो मतदान कर्मी वो उनको प्रॉपर सारी चीज़ों मिल पा रही है नहीं पा रही, क्या क्या सामान दिए जा रहे हैं, मतदान को सुचारू रूप और शांति रूप तरीके से कराने को लेकर प्रशासन कटिबद्ध है। हमारे साथ एडीएम साहब है, उनसे एक बार जान लेते हैं। सर, आज कल मतदान होना है तो कैसी तैयारी और कितने मतपेटियों को भेजा रहा, किसके कैसे कैसे भेजा जा रहा है? ये देखिए, अभी हम लोगों ने बोडाम, पोटका और पटमदा ये 4 ब्लॉकों के लिए हम लोग भेज रहे हैं और ये 3rd चरण का मतदान केंद्र है और ये सारे पार्टी ऑलमोस्ट अब तैयार हैं और 707 पार्टियाँ जा रही हैं पोलिंग कराने के लिए और सेक्टर 89 सेक्टर्स जा रहे हैं। बिल्कुल, जिस तरीके से एडीएम साहब ने बताया कि कल आज ये लोग क्लस्टर पर जाकर रुकेंगे, जो क्लस्टर पर जाकर रुकेंगे उनके लिए क्या व्यवस्था और मेडिकल व्यवस्था? वहाँ पर बिजली, पानी, जनरेटर की व्यवस्था है, वहाँ पर जो माता समिति है उनको भोजन भी मिलती है और हम लोग सारी सुविधाएं रखे हैं। शांतिपूर्वक तरीके से मतदान हो जाए इसके लिए प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है, चाहे पुलिस प्रशासन की बात करें या फिर जिला प्रशासन की बात करें। कल सुबह 7 बजे से लेकर 3 बजे तक मतदान होना है। कुछ मतदान केंद्र जो है वो थोड़े से नक्सल प्रभावित है, जैसे बताया कि बोडाम के क्षेत्र के जो कुछ नक्सल प्रभावित मतदान केंद्र है जहाँ पोलिंग पार्टियों को यह निर्देश दिया गया है कि सुबह के वक्त में आप पैदल ही मतदान केंद्र तक पहुँचे और मतदान सुचारू रूप से शुरू करवा सके। सही अनवर के साथ प्रभात, न्यूज 11 भारत, जमशेदपुर। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज 11 भारत, सच है तो दिखेगा।